नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच फोर्थ ODI मैच होने वाला है उसके बारे में, क्या कुछ हमारी ड्रीम इलेवन होने वाली है, क्या कुछ हमारी प्लेइंग इलेवन होने वाली है और क्या कुछ हमारे पास टीम न्यूज है उसके बारे में बात करें। दोस्तों टीम न्यूज़ के बारे में बात करें यहाँ से। दोस्तों वही ग्राउंड है जिस पर 434 रन चेस हुए थे दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 438 बनाए थे, तो आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग ग्राउंड हो सकता है और बारिश होने के ज़्यादा चांस हैं दोस्तों आप, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ही पिक करिएगा। और दोस्तों अभी तक कुछ आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक दोस्तों मुझे बहुत मोटिव करता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बात करें दोस्तों फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की, यहाँ से 237 और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 205 है दोस्तों। साउथ अफ्रीका पिंक ड्रेस में आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाए, जो कि एक साल में एक मैच दोस्तों पिंक ड्रेस में खेलती है। चलिए बात करते हैं यहाँ से पाकिस्तान की संभावित 11 की। फखर जमान आपके लिए खेलती हुई नजर आ सकती है, टीम इनकी जगह दोस्तों मौका दे सकती है मसूद को, क्योंकि दोस्तों लगातार तीनों ODI में फेल हुए हैं, तो इनकी जगह टीम किसी और को मौका दे सकती है मसूद को, तो आप स्मॉल लीग में इनसे दूर रहिएगा, आप सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। इमामुल्लाह के दोस्तों लगातार शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं दोस्तों, 100 रन का लास्ट मैच में शानदार स्कोर करके आपके लिए दिया था। उसके अलावा हफीज़ हैं दोस्तों, लास्ट मैच 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। बाबर आजम आपके लिए 69 रन की इनिंग्स आपके लिए खेल के दे थी। शुएब मलिक शानदार टच में दिख रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में इन्हें शुरुआत मिली थी 31 रन से, लेकिन कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे, हालांकि डेथ ओवरों में आउट हुए थे। इमाद वसीम है दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस करके दिया था लास्ट मैच में, इन्होंने 43 रन का स्कोर करके दिया था। उसके अलावा शानदार गेंदबाज भी हैं। सरफराज अहमद आपको अपने आप को लगातार डिमोट कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा इनसे ऊपर हसन अली चले गए थे। सदाब खाने आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है, मोहम्मद आमिर और शाहिन अफरीदी हैं। आमिर का हालांकि लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था दोनों गेंदबाजों का। उसके अलावा बात करें दोस्तों साउथ अफ्रीका की संभावित 11 के बारे में आपके लिए, हासिम अमला खेलती हुई नजर आ जाएंगे। क्वांटन डिकॉक है दोस्तों, लगातार अच्छी फॉर्म में जारी रखेंगे दोस्तों, लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे। हालांकि दोस्तों रिजा हेंडिक्स लगातार अपनी अच्छी फॉर्म जारी रख रहे हैं दोस्तों, लास्ट मैच में 83 रन का शानदार स्कोर किया था और फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। उसके अलावा बात करें फेफ डू प्लेसेस हैं दोस्तों, लगातार ये भी शानदार फॉर्म में है दोस्तों, लास्ट मैच में आपने देखा हो तो ये भी नॉट आउट गए थे दोस्तों 40+ रन का स्कोर करके। डेविड मिलर हैं दोस्तों आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाएंगे, दसन आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद एंडल फ्लिश को आए हुए तबरेज शमसी और इमरान ताहिर में से आपके लिए कोई खेलता हुआ नजर आ जाएगा। तबरेज शमसी जो लास्ट में जिनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, कंगीज रवाड़ा आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, डेलिस्टिन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, उसके अलावा बुरन हेंड्रिक्स आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारी ड्रीम इलेवन टीम। बात करें दोस्तों यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें, आपके लिए क्वांटन डिकॉक से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो सरफराज अहमद है आपके लिए अपने आप को दोस्तों 7-8 नंबर पर भी डिमोट कर लेते हैं। उस चक्कर में यहाँ से क्वांटन डिकॉक को ट्राई करूंगा, आप चाहो तो सरफराज अहमद को टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की। बाबर आजम को मैंने टीम में ट्राई किया है, जो कि दोस्तों लगातार अपनी फॉर्म को बरकरार रखे हैं दोस्तों, लास्ट मैच में भी इन्होंने 69 रन का स्कोर करके दिया था। हासिम अमला जो कि एक शानदार बल्लेबाज है, मैंने इन टीम में ट्राई किया है, आप चाहो तो इनकी जगह दोस्तों यहाँ से फेफ डू प्लेसिस को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए 0.5 कैडेट एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो दोस्तों लेकिन मैंने यहाँ से हासिम अमला को टीम में ट्राई किया है, क्योंकि ओपन आएंगे दोस्तों और शानदार टच में दिख रहे हैं पूरी ODI सीरीज के दौरान दोस्तों। उसके अलावा फेफ डू प्लेसिस आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। शुएब मलिक भी दोस्तों आपके लिए लगभग एवरेज 30-40 रन का स्कोर करके दे रहे हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन्हें टीम में ट्राई करना चाहते हो या इमामुल्लाह को टीम में ट्राई करना चाहते हो। उसके अलावा दोस्तों फखर जमान को ट्राई नहीं करना, क्योंकि दोस्तों इनका परफॉर्म इतना अच्छा नहीं है पूरी सीरीज के दौरान, और शायद इस मैच में टीम बैठा भी दे इनकी जगह, मसूद को टीम मौका दे दी, तो आप मसूद को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, सिर्फ ग्रैंड लीग में इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बात करें इमामुल्लाह का आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, लास्ट मैच में इन्होंने शतक भी लगाई थी, 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। रिजा हेंड्रिक्स दोस्तों लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई किया है। बात करें डेविड मिलर की, जो कि बल्लेबाजी है 5 से 6 नंबर पर आने वाली है दोस्तों, यहाँ तक शायद विकेट ना गिरे साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर है शानदार फॉर्म में चल रहा है। टॉप ऑर्डर की चार ही बल्लेबाज की बात करें, हासिम अमला, क्वांटन डिकॉक दोस्तों, फेफ डू प्लेसिस या रिजा हेंड्रिक्स की, तो चारों ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें टीम में ट्राई नहीं किया है। टीम इनकी जगह इनसे ऊपर शायद मौका भी दे दे किसको, यहाँ से 10 रन को टीम इनसे ऊपर मौका दे सकती है, इस वजह से मैंने इन्हें ट्राई नहीं किया। एडम मरकराम आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, मसूद को आप टीम में ट्राई कर सकते हो सिर्फ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग टीम में आप इन्हें ट्राई मत कीजिए। उसके अलावा तलत आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और 10 रन आप टीम में ट्राई कर सकते हो, इन्हें 5 नंबर पर मौका मिलने वाला है दोस्तों बल्लेबाजी के लिए, यदि आप चाहो तो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो इन्हें अवॉइड भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ से आपके लिए मोहम्मद हफीज़ आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, आपके लिए
अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके दे रहा है। हालांकि गेंदबाजी से इतना प्रभावित नहीं किया, लेकिन बल्लेबाजी पूरी सीरीज में इन्होंने प्रभावित किया। इमाद वसीम आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। एंडल फ्लेस्कबायो दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन हो जाता है, यहाँ आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। फाइव मास्टर आपको ट्राई नहीं करना और पेटोरियास को भी टीम में ट्राई नहीं करना। इमाद वसीम ने दोस्तों लास्ट मैच में बल्ले से शानदार 43 रन की इनिंग्स खेली थी और दोस्तों अच्छी खासी गेंदबाजी भी करते, हालांकि पूरी गेंदबाजी करने का इन्हें मौका नहीं मिला दोस्तों, उस चक्कर में विकेट नहीं निकाल पाए क्योंकि डकवर्थ लुईस के तहत यहाँ से जीत दे दी थी दोस्तों। और मैं दोस्तों आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ आएगी दोस्तों बारिश के बारे में या किसी के बारे में, आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट। बॉलिंग डिपार्टमेंट कनगिश रबाडा को मैंने टीम में ट्राई किया है, आप यहाँ से इमरान ताहिर को पिक कर सकते हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ग्रेन लीग में। स्मॉल लीग में इन्हें ट्राई मत करना। मोहम्मद आमिर को मैंने टीम में ट्राई नहीं किया क्योंकि लास्ट मैच में दोस्तों कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। सदाब खान को टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों, हसन अली की जगह आप चाहते हो तो सदाब खान को टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं हसन अली के साथ ही यहां से गया हूं। उसके अलावा बात करें दोस्तों आपके लिए ऑप्शंस की, तो यहां से साइना फरीदी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाती है, आप इनको किसी को भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों यहां से हसन अली की जगह। डेलिस्टिन आपके लिए शानदार ऑप्शन है दोस्तों, हालांकि वापसी की है डेलिस्टिन ने टीम में काफ़ी समय बाद, लेकिन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो हसन अली की जगह। और दोस्तों यहां से बात करें तबरेज शमसी को आपको स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करना है, उस्मान खाल सेनवारी को टीम में ट्राई नहीं करना, तबरेज शमसी को आप ट्राई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में। बात कर रिजा बुरान हैंडिक्स आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट आर्मर एक शानदार गेंदबाज हैं दोस्तों, आपके लिए खेलते हुए नजर भी आ जाएंगे और एक अच्छी गेंदबाजी करके देते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, आपके लिए यहाँ से 3 से 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। क्वांटन डिकॉक आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। उसके अलावा इमाम उल हक आपके लिए शानदार ऑप्शन है, हासिम अमला शानदार ऑप्शन, उसके अलावा बुरान रिजा हैंडिक्स भी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है। मैं अपने टॉप 3 ऑप्शंस की बात करूं दोस्तों, यहां से आपके लिए टॉप 3 ऑप्शन रिजा हैंड्रिक्स, हासिम अमला और क्वांटन डिकॉक है। उसके अलावा आप हफीज़ को भी टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि बल्लेबाजी तो शानदार कर ही रहे हैं दोस्तों, उसके अलावा गेंदबाजी भी शानदार करते हैं। यदि गेंदबाजी में इन्हें विकेट मिल जाता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो आप इनमें से किसी में से ट्राई करिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों। रिजा हैंड्रिक्स है आपके लिए, हासिम अमला है, क्वांटन डिकॉक है, हाफीज हैं दोस्तों। यदि आप किसी और को ट्राई करना चाहते हो तो आप यहां से इमाम औलाक को टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। चलिए देख लेते हैं टीम का फाइनल प्रीव्यू। क्वांटन डिकॉक हैं दोस्तों, बाबर आजम हैं, इमाम औलाक हैं दोस्तों, हासिम अमला हैं, रिजा हैंडिक्स हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बात करें इमाद वसीम है दोस्तों, एंडल फ्लिस्क वाए हुए हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट की, आपके लिए यहां से हसन अली हैं, बुरन हैंड्रिक्स हैं और यहाँ से कंगिसो रबाडा हैं दोस्तों। आपके लिए एक मेंटेन टीम तैयार करने की कोशिश की है दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।